हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं इंडिया ईयरबुक का चैप्टर 9, ये है भारत की रक्षा से रिलेटेड यानी डिफेंस, इसको कवर करूंगा। इसमें मैंने करंट वाला जो पार्ट है वो भी डाल दिया है, तो जो आप करंट और स्टैटिक दोनों का पढ़ेंगे तो आपको डिफेंस एकदम क्लियर हो जाएगा, और डिफेंस वाले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। StudyIQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज उपलब्ध हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए। ये पेड कोर्सेज हैं हमारे, और अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कर सकते हैं। हमारी जो सेल है वो भी चल रही है 24 मार्च तक। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है tirelesssoul, या फिर ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है gaurav.gar888। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस बुक में अवेलेबल, उसके हिसाब से 55% जो भारत का व्यापार है वो दक्षिण चीनी सागर और कहाँ से होता है, यानी जो जगह है वो कौन सी है ये आपको बताना है। दक्षिण चीनी सागर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दक्षिण चीनी सागर है, और दूसरा है मलक्का स्ट्रेट। तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये मलेशिया सिंगापुर से ये होती हुई यहाँ पे, तो आंसर है इसका मलक्का स्ट्रेट। तो ये 55% जो भारत का व्यापार है वो यहाँ से होता है। और एक इम्पॉर्टेंट जगह और है जो आपको याद रखनी है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ये तेल बेचने वाले देश हैं, जो ओपेक है, इनके जो कंट्री हैं ये सारे, यहाँ से जो तेल आता है यानी दुनिया का जो 20% तेल है वो इस एरिया से ट्रांसपोर्ट होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहीं पे पाकिस्तान ने बनाया है ग्वादार का बंदरगाह, ग्वादार जिसको चाइना भी यूज़ कर रहा है, और ये एक चौक पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हमने ग्वादार से ठीक पहले ईरान में बनाया है छाबार, छाबार का बंदरगाह। और जो छाबार है इसे हम शहीद बेहस्ती पोर्ट भी बोलते हैं, शहीद बेहस्ती पोर्ट। ये सिर्फ हमने इसलिए बनाया है जिसे ग्वादार को हम काउंटर कर सकें, ये ईरान में बनाया हमने, तो आंसर है इसका मलक्का स्ट्रेट। इससे पहले आगे बढ़े हम भारतीय जो सेना है उसके विभिन्न अंग देख लेते हैं, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो इसमें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इसको गार्ड करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। भारत बांग्लादेश बॉर्डर को करती है अगेन सीमा सुरक्षा बल, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है दोनों को करता है सीमा सुरक्षा बल। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर गार्ड करती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। नेपाल के साथ जो बॉर्डर है और भूटान के साथ, दोनों को करती है सशस्त्र सीमा बल। और म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको गार्ड करती है असम राइफल्स। ये इनके चीफ हैं लेटेस्ट। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के चीफ हैं आर के पचनंदा, सीमा सुरक्षा बल के हैं के शर्मा, सशस्त्र सीमा बल के हैं रजनीकांत मिश्रा। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक, जो हमारे तटों की रक्षा करती है। भारत में सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की, गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश की, तो हमारा बहुत बड़ी तटरेखा है, गुजरात से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ कोलकाता तक, जो वेस्ट बंगाल है यहाँ तक, ये पूरा पहले यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा इत्यादि। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की के हैं राजेंद्र सिंह, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं सुदीप लखाटिया। दूसरा सवाल है कि इनमें से जो यूएन मिशन है, यूएन मिशन उसमें सबसे बड़ा जो ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन सा है इनमें से। और यूएन के 15 मिशन चल रहे हैं, यूएन मिशन के उनमें से 7 में इसकी प्रेजेंस है, ये है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के पास, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी है भारत के पास। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं कई देशों में चल रहे हैं, और उनमें से जो भारत है उसके भी उसकी प्रेजेंस है 15 में से 7 में। इनमें से कितने परसेंट से ज़्यादा व्यापार, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, और 77% बाय वैल्यू ये समुद्री रास्ते से होता है, तो ये है 90%। 90% से भी ज़्यादा व्यापार वॉल्यूम की अगर हम बात करें, और अगर हम मनी की बात करें वैल्यू में, तो 77% ये पानी के रास्ते से होता है। भारत का भी जो समुद्री रास्ता है उस पर जो निर्भरता है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ करंट देखते हैं। भारतीय जो तटरक्षक है उन्होंने निगरानी के लिए यानी पेट्रोलिंग के लिए, पेट्रोल मतलब होता है निगरानी रखना, जब आप गश्त करते हैं कहीं जहाज को लेके, कहीं पे नज़र रखते हैं, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। तो भारतीय कोस्ट गार्ड ने अपना पेट्रोलिंग वेसल एक नया रखा है, ये इन्होंने कराईकाल नाम की जगह पे रखा है जो पौंडेचेरी में है, और इसको कमीशन करा खुद पौंडेचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने। इसका नाम है चार्ली 435। ये चेन्नई और कन्याकुमारी की जो तट की रक्षा है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, चार्ली 435। इसके अलावा आर्मी एयर डिफेंस कॉप्स ने अपना 25वां रेजिंग डे मनाया, आर्मी एयर डिफेंस कॉप्स 10 जनवरी 2018 को। इनका जो मोटो है वो है आकाशे
शत्रुन जाही यानी किल द एनिमी इन द स्काई, शत्रु को आसमान में ही मार दो। 10 जनवरी 1994 को ये शुरू हुई थी आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स। एक सॉफ्टवेयर है हमारी जो सेना है उसका अर्पण, अर्पण का तीसरा वर्जन लॉन्च हो गया है। अर्पण की फुल फॉर्म है आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस ऑटोमेशन। भारतीय आर्मी में जो 12 लाख हमारे सोल्जर हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स इस सॉफ्टवेयर में रखे जाते हैं। इसका नाम है अर्पण और इसका तीसरा जो वर्जन है वो लॉन्च हो गया है। आईएनएस तरश ये एक वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ये भारतीय नेवी में इसको कमीशन कर दिया गया है, अब ये काम करना स्टार्ट कर दिया है इसने। इस तरह के हमारे पास 4 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं और चौथा है आईएनएस तरश। तो नाम याद रखिए आईएनएस तरश, और इसका जो नाम रखा गया है वो अंडमान निकोबार के एक टापू के नाम पे रखा गया है जिसका नाम है तरश। ये अभी मुंबई में काम करेगा और वेस्टर्न नेवल कमांड की मदद करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चौथा है ये, तो इससे पहले जो 3 है वो कौन से हैं? एक तो है आईएनएस तरमुगली, एक है आईएनएस तिहाऊ। ये सारे वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, आईएनएस तरमुगली, आईएनएस तिहाऊ और तीसरा है आईएनएस तिलंगचंग। आईएनएस तरमुगली और तिहाऊ को हमने लगाया है विशाखापट्टनम के बंदरगाह पे और आईएनएस तिलंगचंग रक्षा कर रहा है कारवार और गुजरात में। हमारा खुद का बनाया हुआ एक वेपन लोकेटिंग रडार है, यानी शत्रु ने अगर कोई मान लो कोई हथियार ले रखा है तो उसको इंडिकेट कर देगा। इसका नाम है स्वाति। इसको बनाया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है और इसका नाम है स्वाति। इनमें से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन कौन सा है जो भारतीय नेवी करती है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी एक तरह से मानवता की भलाई के लिए, और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सकून, ऑपरेशन नीर या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा। ये किए हैं हमने पास्ट में, ऑपरेशन राहत हमने करा था यमन में जो लोग फंस गए थे उनको छुड़ाने के लिए करा था ऑपरेशन राहत। और ये ऑपरेशन राहत जो है ये हमने 2015 में करा था यमन और का सऊदी अरब से युद्ध चल रहा था। ऑपरेशन सकून ये हमने किया था लेबनन देश में जब लोग फंस गए थे, तो ये हमने ऑपरेशन सकून किया था 2007 में। और ऑपरेशन नीर ये हमने किया था माले जो है ये मालदीव्स की राजधानी है, यहाँ पे पानी की कमी हो गई थी तो हमने ऑपरेशन नीर मतलब ही होता है पानी, 2014 में इनको पानी भिजवाया था। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो हमने किए हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे जब साइक्लोन नरगिस आया था या साइक्लोन हुड़हुड आया था तब हमने किया था ऑपरेशन लहर हमने किया था साइक्लोन हुड़हुड़ आया था तब। इसके अलावा साइक्लोन रोवानू जब श्रीलंका में आया था तब भी हमने ऑपरेशन किए थे। साइक्लोन मोरा जब बांग्लादेश और म्यांमार में आया था जून 2017 में तब भी हमने ऑपरेशन किए थे। तो हमारी जो नेवी है उसका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है इस मामले में। इनमें से किसने इतिहास रचा? पहली महिला पायलट जो भारतीय एयरफोर्स में जिनको कॉम्बैट के लिए रखा गया है, यानी कि ये फाइट जब कॉम्बैट ऑपरेशन होंगे उनमें भी इनका नाम आएगा। तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कान, मोहना सिंह या सब? तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। हालांकि पहला जो फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला वो मिला अवनी चतुर्वेदी को, और ये तीनों हैं जो भारतीय एयरफोर्स में कॉम्बैट के लिए जाएंगी, यानी युद्ध के लिए ये जाएंगी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी कहां पर है? इंडियन एयरफोर्स जो अकेडमी है वो है तेलंगाना में। इनमें से इंडियन आर्मी की कौन सी एक कमीशन रैंक नहीं है? इंडियन आर्मी में इनमें से कौन नहीं होता? मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, सब लेफ्टिनेंट या ब्रिगेडियर? तो आंसर है सब लेफ्टिनेंट नहीं होता, मेजर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर तीनों पोस्ट होती है। एक बार आप कॉन्फिडेंट फील करें इसलिए मैं सारे लिख देता हूं। सबसे पहले होता है जनरल, आर्मी जनरल जो बिपिन रावत है इस वक्त। जनरल के नीचे होता है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे मेजर जनरल, मेजर जनरल के नीचे ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के नीचे कर्नल, कर्नल के नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे होता है मेजर, उसके नीचे कैप्टन और उसके नीचे लेफ्टिनेंट। तो ये है रैंक हमारी, कमीशन रैंक जिन्हें बोलते हैं। मैं फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूं, लिख लो कहीं पे। जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट।
इनमें से इंडियन नेवी की कौन सी एक कमीशन रैंक है, उसमें था नहीं है, इसमें पूछा है, तो कॉमोडोर, कमांडर, रेयर एडमिरल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारी हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, सबसे ऊपर तो होता है एडमिरल जो अभी सुनील लांबा है, उसके बाद वाइस एडमिरल, उसके बाद रेयर एडमिरल जो यहां पे लिखा है तीसरे नंबर पे, फिर कॉमोडोर, फिर कैप्टन, फिर कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। तो ये है रैंक, कमीशन रैंक, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रेयर एडमिरल, कॉमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। भारत का पहला खुद का बनाया हुआ हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 2020 तक रेडी हो जाएगा, इसका नाम है INS विक्रांत। अभी हमारे पास सिर्फ एक है जिसका नाम है विक्रमादित्य, ये हमने रशिया की मदद से बनाया था, और ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने रशिया की मदद से बनाई थी, ये भी याद रखिए। यहाँ ब्रह का मतलब है ब्रह्मपुत्रा और मोस का मतलब है मोस्क्वा, जो रशिया के अंदर एक नदी बहती है। तो इसका हमने नाम रखा है INS विक्रांत, ये हमारा खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो 2020 तक काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा भारत की 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, पहली थी INS कलवारी, दूसरी INS खंडेरी। INS कलवारी सबसे पहली थी जो लॉन्च हुई थी और कमीशन हुई थी दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और INS खंडेरी जो है ये लॉन्च हुई थी जनवरी 2018 में। इसके बाद जो 3 हैं वो हैं वेला, वागीर और वागशीर। मैं रिपीट करता हूँ, वेला, वागीर और वागशीर, ये है 4th, 5th, and 6th, ये तीनों अभी लॉन्च नहीं हुई हैं। एक बच गई, वो है INS करंज, करंज ये अभी अभी हुई है बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च, INS करंज। तो सबसे पहली थी कलवारी, दूसरी है खंडेरी, तीसरी है करंज, फिर 4th, 5th, and 6th हैं, ये अभी बची हुई हैं, अभी लॉन्च नहीं हुई हैं, वेला, वागीर और वागशीर। इसके अलावा इंडियन नेवी ने 2 वॉरशिप हैं जिनको यूज करना बंद कर दिया यानी डीकमीशन कर दिया है, एक तो है INS निर्भीक और दूसरा है INS निर्घट। इनके काफी टाइम हो गया था इनको, INS निर्भीक को हो गए थे 30 साल और INS निर्घट को हो गए थे 28 साल। इन्होंने काफी सारे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करा है, जैसे ऑपरेशन पराक्रम है, ऑपरेशन विजय इत्यादि। इंडियन नेवी का एक और एयरक्राफ्ट है पेट्रोलिंग के लिए यूज होता था जिसका नाम है एल्बेट्रॉस, इसको भी अब यूज करना बंद कर दिया है, ये रशिया की मदद से हमने बनाया था, और तब रशिया सोवियत था, USSR था, और इसका ओरिजिनल नेम है टुपोलो 142M एयरक्राफ्ट, ये दुश्मन पर नजर रखने के काम आता था हिंद महासागर में, और इसको हम बोलते थे एल्बेट्रॉस। तो अब इसको हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, इसकी जगह पे अब हम यूज करेंगे पोसाइडन 8i जो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। INS सिंधु रक्षक, इसको भी हमने अब यूज करना बंद कर दिया है, INS सिंधु रक्षक को डीकमीशन कर दिया गया है, और भारत ने जो INS सिंधु रक्षक है ये खरीदा था। सिंधु रक्षक का संस्कृत में मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द सी, यानी समुद्र का जो रक्षक, और सिंधु मतलब एक तरह से समुद्र, समुद्र का रक्षक, ये हमने रशिया से खरीदा था, रशिया ने हमारी इसमें मदद की थी। 2 माइन स्वीपर है इंडियन नेवी के, इनको भी यूज करना हमने बंद कर दिया है, माइन स्वीपर, एक है INS कारवार और एक है INS काकीनाडा, इनके दोनों के 30 साल पूरे हो गए थे तो अब हमने इनको यूज करना बंद कर दिया, ये भी हमने रशिया से खरीदे थे, उस वक्त USSR से हमने खरीदे थे। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है, इन्होंने 2 भारतीय तटरक्षक के लिए स्पेशल पेट्रोल वेसल बनाए हैं, यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये भी अगेन निगरानी रखने में मदद करेंगे, एक का नाम है विजय, एक का नाम है विक्रम। तो जो लेटेस्ट वाला है उसका नाम है विजय, ये इन्होंने लॉन्च कर दिया है अभी अभी, और पहले वाला था जिसका नाम था विक्रम। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये कौन से साल में बना था, ये बना था 1977 में हमारे तट की रक्षा करने के लिए, और उस वक्त जब बना था तब इसका काम ये था कि मछुआरों की रक्षा करे, मछुआरे अगर समुद्र में फंस जाते हैं उनकी रक्षा करे, हमारे जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उनकी रक्षा करे, तो इन सब के लिए बना था इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 में। इनमें से कौन सा आर्म्ड फोर्सेस का एग्जाम है जो UPSC कंडक्ट करती है, सबसे पहला है NDA और नेवल अकेडमी, दूसरा CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, आंसर है बोथ A and B, दोनों ये UPSC कंडक्ट करती है। NDA का एग्जाम जो होता है, और जो UPSC है ये एग्जाम साल में 2 बार करवाती है, फॉर द एंट्री इनटू NDA एंड NA, दोनों का 2 बार होता है साल में, और कैंडिडेट जो है उनको 10+2 करनी होती है, और 10+2 एग्जामिनेशन इनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास करना, उसके बाद SSB होता है, SSB तो सब में ही होता है, मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। CDSE जो होता है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन।
नेशनल कैडेट कॉर्प्स का इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है? एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प। एकता और अनुशासन, ये इनका मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये मोटो है एनसीसी का। और इनका नाम है जनरल बी एस सहरावत, जनरल बी एस सहरावत। ये एनसीसी बना था 1948 में, तो 69 ईयर्स इसको पूरे हो गए हैं 2017 तक अगर हम देखें। और इसमें 15 लाख एनसीसी कैडेट है हमारे पास, 15 लाख हैं एनसीसी कैडेट। उस कंपनी का नाम बताओ जो 1970 में इनकॉर्पोरेट हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाने में पायोनियर है, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उनको बनाती है ये। 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंतर्गत ये काम करती है तब से। इसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है ये एक मिनी रतन कैटेगरी वन कंपनी है, मिनी रतन कैटेगरी वन। सरकारी कंपनियां जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, महारतन, नवरतन और मिनी रतन। फिर मिनी रतन में अलग अलग कैटेगरी होती हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। ये मेनली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाती है। अभी आजकल ये काफी ज्यादा चीजें बना रही है लेकिन मेनली जो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इनमें से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भारतीय आर्मी में जो हथियार यूज होते हैं उनकी टेक्निकल इवेल्युएशन करना, कि हथियार ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी उपकरण है जो भी हथियार हैं, ये किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की, यानी ऑप्शन बी। इसका काम है सारा देखना कि भाई ये सारे हथियार वगैरह ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो देश में बने हैं वो भी और जो विदेश से हमने खरीदे हैं वो भी, दोनों का। तो दोनों का ये चेक करता है, डिटेल टेक्निकल इवेल्युएशन करता है DGQA। निर्देश की फुल फॉर्म क्या है? निर्देश की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इन डिफेंस शिप बिल्डिंग। सो इसका ऑप्शन हो गया सी आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिप बिल्डिंग। ये बना कहां पे था? ये बना था कोझीकोड में, और कोझीकोड है केरल में। और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, शिप डिजाइन वगैरह इन सब में काम करता है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, इसके चेयरमैन है डॉक्टर एस क्रिस्टोफर। आपको बताना है इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इसका मोटो। मैं आपको एक दो के मोटो और बता देता हूं अगर पूछ लें तो। जो भारतीय तटरक्षक है अगर पूछ लें कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है, तो इनका मोटो है वी प्रोटेक्ट, वी प्रोटेक्ट। संस्कृत में बोलते हैं वयम रक्षा में, हम रक्षा करते हैं वयम रक्षा में। इंडियन आर्मी का क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये है इंडियन आर्मी का। इंडियन नेवी का क्या है? इंडियन नेवी का है शनो वरुणे, शमनो वरुणे, यानी कि जो मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, यानी कि जो पानी का देवता है वो हमारी रक्षा करे, वो हमारे साथ रहे। इंडियन एयरफोर्स का है नभ स्पर्शम दीपतम, नभ स्पर्शम दीपतम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी आकाश को पूरे गर्व के साथ छुओ, टच द स्काई विद ग्लोरी। और DRDO का है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। तो याद कर लीजिए इनको। ये गोवा मैरीटाइम कंक्लेव हुआ था, इसको बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था, ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेश के। तो इसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, मॉरिशियस, मलेशिया, सेशल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह के यहाँ पे हेड ऑफ चीफ, नेवी चीफ, ये सब आए थे इसके अंदर। और इस ये इसमें जो एम था हमारा वो था एड्रेसिंग रीजनल मैरीटाइम चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर में एक दूसरे की मदद करो, आपसी सहयोग करो। और इसका उद्घाटन हुआ था तरंग ऑडिटोरियम INS मांडोवी गोवा में। इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको फटाफट एक बार कॉर्बेट और फ्रिगेट के बारे में बता देता हूँ। कॉर्बेट जो होता है ये एक छोटा जहाज होता है, ये भी लड़ने के काम आ सकता है लेकिन मेनली ये निगरानी के काम आता है, यानी पेट्रोलिंग के काम आता है। फ्रिगेट जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है कॉर्बेट से, और इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटी होती है, यानी आक्रमण भी कर सकता है और ये रक्षा भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। और ये थोड़े जो होता है बड़े शिप्स को, बड़े शिप के साथ चलता है फ्रिगेट जनरली, और कॉर्बेट छोटा होता है इससे, और ये जनरली पेट्रोलिंग के काम आता है। तो INS किल्टन, INS किल्टन जो है ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्बेट है, जो अभी अभी हमने जिससे काम लेना स्टार्ट करा है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, और ये एक पंडुपी है यानी सबमरीन है INS किल्टन। दूसरा INS कलवारी मैं आपको बता चुका हूँ, INS कलवारी एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इसको भारत ने ही बनाया है लेकिन इसमें मदद करी है फ्रेंच कंपनी ने, इसको फ्रेंच कंपनी ने डिजाइन करा है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, अगेन इसको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है और ये
अभी अभी डिप्लॉय हुआ है। इसके अलावा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस, ये मेक इन इंडिया के तहत बना है ये भी, और ये एक एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स है, नाम है तेजस, ये भी हमने यूज़ करना स्टार्ट करा है। और Su-30M की आई, ये रशिया की मदद से हमने टेक्नोलॉजी ली है, अब हम खुद बना रहे हैं, वैसे रशिया के हैं ओरिजिनली ये, लेकिन अब हम भारत में बना रहे हैं क्योंकि रशिया से हमने इसकी टेक्नोलॉजी ले ली है। इसको अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है, ये भी हम इससे भारतीय वायुसेना में काम लेना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सियाम भारत, ये एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है जो चियांग माई थाईलैंड में हुई थी, और ये दूसरी बार है जब भारत और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है सियाम भारत, ये 22 टू 26 में कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा है एक है ऑपरेशन सहायम, ऑपरेशन सहायम जो है ये जब साइक्लोन ओकी आया था तो इंडियन एयरफोर्स ने ये चलाया था ऑपरेशन सहायम, ये सदर्न नेवल कमांड का था मेनली जो ऑपरेशन था ये, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी, और इसमें नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने भी हमारी मदद की थी। इसमें जो दो जहाज यूज हुए थे वो थे INS सुजाता और INS सुभद्रा। आठवां बाई एनुअल एक्सरसाइज नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये कहाँ पे हुआ था, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, इसको आयोजित किया गया था चेन्नई में। जापान और भारत एक तो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं अमेरिका के साथ मिलके, और एक और करते हैं जिसको बोलते हैं सहयोग काइजिन, ये भी भारत और जापान के बीच होती है सहयोग काइजिन। सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन नेवी का, सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी हमारी फोर्सेज हैं सबका सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी एंड द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जो कमांड करता है आर्मी को, ये एक फोर स्टार एडमिरल होता है, ये नेवी को कमांड करता है। नेक्स्ट है कि इनमें से वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा नहीं है, जो बहादुरी के लिए अवार्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वॉर टाइम और एक पीस टाइम, यानी जब जंग चल रही होती है तब और जब जंग नहीं होती है तब, तो इसमें वॉर टाइम कौन सा नहीं है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या शौर्य चक्र, तो आंसर है शौर्य चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा हमारा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, और दूसरा है महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र, ये तीन अवार्ड है। पीस टाइम की अगर बात करें तो पीस टाइम में तीन है, सबसे पहले अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, सबसे ऊंचा होता है अशोक चक्र पीस टाइम में, फिर होता है कीर्ति चक्र, और फिर होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र तीसरे नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे होता है कीर्ति चक्र। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर इनमें से कौन सी जगह पे है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो इंडियन नेवी का है, इनका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में है, और ये इसकी विशाखापट्टनम को यूज करता है, लेकिन इसका बेस कोलकाता में भी है, और ये भारत का पहला और सबसे बड़ा नेवल कमांड है, याद रखिए। और अगर मैं सदर्न नेवल कमांड की बात करूं तो ये इसके हेडक्वार्टर जो है वो कोची में है, केरला में, कोची केरल में है इसका हेडक्वार्टर, और जिस जहाज के ऊपर है वो है INS वेंदुरुथी। वेस्टर्न नेवल कमांड ने एक एक्सरसाइज भी करी थी अभी जिसका नाम है पश्चिम लहर, और वेस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न नेवल कमांड का, तो पश्चिम लहर, वेस्टर्न मतलब पश्चिम ही होता है, तो उससे आप कर सकते हैं, तो ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड। ये भारतीय नेवी ने कमीशन करा अपना पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कोची में नवंबर 2013 में। इसका क्या नाम था इस हेलीकॉप्टर का नाम था ध्रुव बोलते थे इसे, ये हमारा पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन था। वरुण एक्सरसाइज हुई भारत और फ्रांस के बीच में, ये 24 अप्रैल से 12 मई तक हुई थी वरुण, ये 15वीं बार हुई थी, और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करा था INS त्रिशूल, INS तर्कश और INS आदित्य ने, साथ ही साथ INS मुंबई ने। INS मुंबई जो है ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, दो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है INS त्रिशूल और INS तर्कश, और एक रिपेयर का जहाज है जिसको बोलते हैं INS आदित्य, ये भारत और फ्रांस के बीच हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये फ्रांस के टूलोन पोर्ट पे हुई थी, जो भूमध्य सागर है उसके फ्रांस वाले कोस्ट पे। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज ये भारतीय नेवी और ब्रिटेन नेवी के बीच में होती है बायलेटरल, और सिम्बेक्स भी हुई है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, 1994 से चल रही है सिम्बेक्स, और इस बार 24वीं बार हुई थी ये 2017 में। ऑस इंडेक्स की बात करते हैं, ऑस इंडेक्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, और सबसे पहली हुई थी सितंबर 2015 में, और ये जून 2017 से 2019 के बीच में हुई थी,
2017 में भारत की तरफ से इसमें गए थे INS कोमोर्ता, INS शिवालिक और INS ज्योति। जो INS शिवालिक है ये भारत का पहला स्टेल्थ वॉरशिप है, स्टेल्थ मतलब जो छुपके एक तरह से वार करता है, स्टेल्थ। स्लिनेक्स ये इंडिया श्रीलंका जॉइंट मैरिटाइम नेवल एक्सरसाइज है, सातवीं भारत और श्रीलंका के बीच में विशाखापट्टनम में हुई बंगाल की खाड़ी में, और 7 से 14 सितंबर 2017 को हुई थी और 2005 में ये स्टार्ट हुई थी। संबंध ये इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज करी थी इसमें, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, कतर, यूएई, मलेशिया और मॉरिशस पार्टिसिपेट किया था सबने। और इसमें भारत की तरफ से जो जहाज थे वो थे INS मैसूर, INS सिंधु रत्न और इनको INS विक्रमादित्य पे फिर लेके गए थे। नाविका सागर परिक्रमा इसमें भारत की तरफ से एक बोट है INSV तारिणी, इस पे 6 वुमेन ऑफिसर हैं और ये परिक्रमा पे गए हैं और ये अभी केपटाउन पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और ये गोवा रिटर्न हो जाएंगे अप्रैल 2018 में। तो ये इसका नाम आपको याद रखना है, नाविका सागर परिक्रमा। और वर्तिका जोशी ये लीड कर रही है इनको, वर्तिका जोशी। इनमें से इंडियन आर्मी की कौन सी एक कमांड नहीं है बताइए, साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ ईस्टर्न कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड या सेंट्रल कमांड? तो इसमें साउथ ईस्टर्न नहीं है, साउथ वेस्टर्न है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है और सेंट्रल कमांड है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो इनके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। देखिए मैं फटाफट एक बार समराइज कर देता हूं, अगर इंडियन नेवी की बात करूं तो वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड का विशाखापट्टनम और सदर्न नेवल कमांड का कोची, राइट, ये तो बता दिया था। अब आर्मी की बात करते हैं तो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में, ईस्टर्न कमांड का है कोलकाता में, नॉर्दर्न कमांड का है उधमपुर में, सदर्न कमांड का है पुणे में, सेंट्रल कमांड का है लखनऊ में, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का है शिमला में और साउथ वेस्टर्न कमांड का है जयपुर में। तो ये कमांड है, टोटल कितनी है, 7 है। अंडमान निकोबार जो कमांड है ये क्या है, ये मतलब क्या चीज है, ये चार ऑप्शन में से पहचानो। अंडमान निकोबार कमांड क्या ये इंडियन आर्मी की कमांड है कोई, हमने देख लिया है ये नहीं है, 7 में से नहीं है। ये एक ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है इंडियन आर्म फोर्सेस की, ये रीजनल कमांड है इंडियन कोस्ट गार्ड की या जॉइंट कमांड है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की, बताइए क्या है ये? तो ये एक थिएटर कमांड है इंडियन आर्म फोर्सेस की, तो आंसर है इसका बी। ये पोर्ट ब्लेयर में है अंडमान निकोबार में और ये 2001 में क्रिएट की गई थी, 2001 में। इसका पर्पस ये था कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है उस पर नजर रखे, साउथ ईस्ट एशिया में नजर रखे और बस यही काम था इसका। पहले कमांडर इन चीफ कौन थे इंडियन आर्मी के, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, ये एक मैं समझता हूँ आसान सवाल है ये, तो इनका नाम है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, पूरा नाम है कोंडानेरा एम करियप्पा, ये थे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इन्होंने इंडियन फोर्सेस को लीड किया था वेस्टर्न फ्रंट पे जो भारत पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1947 में, और ये भारतीय आर्मी के सिर्फ 2 ऑफिसर्स में से हैं जिनको 5-स्टार रैंक ऑफ फील्ड मार्शल दी गई थी, दूसरे हैं मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ बने थे कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी 1949, तो ये आप याद रख सकते हैं। प्रबल दोस्तक ये एक्सरसाइज हुई है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, प्रबल दोस्तक, और इसका मतलब होता है अंग्रेजी में रॉबस्ट फ्रेंडशिप। ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ये दूसरी बार है जब ये हुई थी और इसमें भारत की तरफ से गोरखा राइफल ने पार्टिसिपेट करा था, 11th गोरखा राइफल ने। युद्ध अभ्यास भी हमने करा, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में, ये 13वीं बार हुई थी 2017 के अंदर और ये अमेरिका में हुई थी लुइस मैकॉर्ड जॉइंट बेस वॉशिंगटन में, इसमें भारत की तरफ से गोरखा राइफल ने, सूर्या कमांड की गोरखा राइफल ने पार्टिसिपेट किया था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी अगेन 2017 में, 5वीं बार हुई थी ये और ये औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में हुई थी। संप्रीति की बात करते हैं, संप्रीति जो है ये भारत बांग्लादेश के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हुई थी काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वेरेंगटे मिजोरम में, ये 7वीं बार हुई थी दोनों देशों के बीच में। अजय वॉरियर 2017 में हुई थी इंडिया यूके के बीच में, ये हुई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में, ये 3री बार है जब ये हुई थी, सबसे पहली बार 2013 में हुई थी बेलगाम में, फिर दूसरी बार हुई थी 2015 यूके में और 3री बार अब हुई राजस्थान में। प्रलय सहायम, प्रलय नाम से ही पता चल रहा है ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुई थी अर्बन फ्लडिंग सिनारियों को कंट्रोल करने के लिए, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सब ने पार्टिसिपेट किया था। मालाबार एक्सरसाइज ये आप जानते ही हैं, इंडिया, जापान और अमेरिका करते हैं इसे बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशियन में, जिससे हम चाइना के ऊपर नजर रखें, भारत की तरफ से गया था INS विक्रमादित्य, 21वीं बार थी जब ये एक्सरसाइज हुई थी। अब आपको ये बताना है कि जो रैंक ऑफ कैप्टन है इंडियन नेवी में वो किसके इक्विवेलेंट होती है, इंडियन नेवी में कैप्टन की रैंक किसके इक्वल होती है बताइए।
इंडियन आर्मी में कैप्टन के, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के, या इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, तो इसका आंसर है ग्रुप कैप्टन इन द इंडियन एयरफोर्स, ग्रुप कैप्टन इन द इंडियन एयरफोर्स। और ये आपको अगर मैच करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जनरल जो होता है, मैं यहाँ लिख दूँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो आर्मी में जनरल, इंडियन नेवी में एडमिरल और इंडियन एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल, ये बराबर रैंक के होते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे, वाइस एडमिरल यहाँ पे और एयर मार्शल यहाँ पे बराबर रैंक के होते हैं। इस तरह से गाड़ी चलती है आगे, यहाँ पे मेजर जनरल, फिर यहाँ पे रेयर एडमिरल, यहाँ पे एयर वाइस मार्शल बराबर रैंक के होते हैं। ब्रिगेडियर जो होता है नेवी में, उसके इक्विवेलेंट होता है कोमोडोर, और एयर में होता है एयर कोमोडोर। तो ये याद रखना आसान है, यहाँ पे कर्नल होता है, यहाँ पे कैप्टन होता है, और यहाँ पे होता है ग्रुप कैप्टन, तो ये बराबर रैंक है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इंडियन नेवी में जो कैप्टन है वो किसके बराबर है, ग्रुप कैप्टन के बराबर है और कर्नल के बराबर है आर्मी के। समझ में आ गया। इसी तरह जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो नेवी के कमांडर और विंग कमांडर एयरफोर्स के बराबर होता है। इसी तरह से मेजर जो होता है आर्मी में वो लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स के बराबर होता है। और कैप्टन जो होता है आर्मी में वो नेवी के लेफ्टिनेंट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के बराबर होता है। और आखिरी बचा लेफ्टिनेंट, तो वो सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के बराबर होता है। तो ये याद रखिए, कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, ये कहाँ पे रैंक होती है, ये मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, तो ये जो रैंक होती है ये इंडियन नेवी में होती है। और ये बेसिकली एक फर्स्ट क्लास सेलर होता है, ये फर्स्ट क्लास सेलर, उसकी रैंक होती है ये, जिसको बोलते हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। और इसमें जो जिसको बोलते हैं बिलो ऑफिसर रैंक, ये तो सारी ऑफिसर रैंक थी जो मैंने आपको पहले बताई थी। बिलो ऑफिसर रैंक उसमें कई होती है, जैसे इंडियन आर्मी में होती है सूबेदार मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक, लेंस नायक और सिपाही, सेपोए। इंडियन नेवी में होती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ पेटी ऑफिसर, एबल सीमैन, लीडिंग सीमैन और सीमैन। और इंडियन एयरफोर्स में होती है मास्टर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, सार्जेंट, कॉर्पोरल, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन और एयरक्राफ्ट्समैन। इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इनको याद करने मत बैठ जाना, मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, ये तो आसान सवाल है, ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो फील्ड मार्शल हैं केएम करियप्पा, उन्होंने पहले कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के पद की भूमिका संभाली थी। सो और ये डे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश वाले जो थे वो थे जनरल सर फ्रांसिस बुचर, सर फ्रांसिस बुचर, तो ये पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे, तो ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनमें से भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है वो था INS विक्रांत। और अभी जो हम बना रहे हैं जो 2020 में चालू हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम हमने रखा है INS विक्रांत। ये वाला जो विक्रांत है हमने UK की मदद से खरीदा था, अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, डीकमीशन हो चुका है बहुत पहले। अभी हम सिर्फ एक ही हमारे पास विक्रमादित्य है जो हमने रशिया से खरीदा हुआ है। कुछ और न्यूज़ पर नज़र डालते हैं, जो आपने देखा होगा जो झांकी निकली थी 26 जनवरी पे, तो पंजाब रेजिमेंट को मिला था उस दिन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड तीनों सर्विसेज में, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को मिला था बेस्ट पैरामिलिट्री का अवार्ड। तो ये दोनों याद रखने हैं बस आपको। ये था इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का टैबलो, 20 साल के बाद इन्होंने लगाया था, इस बार 1997 में आया था और फिर 2017 में, यानी 20 साल के बाद 98 में आया था, माफी चाहूंगा 98 में आया था ITPB का। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जो हमारी रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे विनयशील ओबेरॉय। ये कमेटी 13 मेंबर है इस कमेटी में, और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अगर कोई भी हम सामान खरीदते हैं, कोई भी डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट है, तो ये कमेटी उसको देखेगी। तो इसका नाम है कमेटी का रक्षा मंत्री एडवाइजरी कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैपिटल प्रोजेक्ट। मराठा लाइट इन्फेंट्री अपने 250 साल पूरे करें इन्होंने मानेकशॉ सेंटर में, मराठा लाइट इन्फेंट्री। ये 1670 में ये मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी ने कंक्वर किया था कोंडाना फोर्ट, और जिसको आज हम सिंहगढ़ फोर्ट बोलते हैं, सिंहगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के अंदर। तो ये लाइट इन्फेंट्री, इसका भी काफ़ी गौरवशाली इतिहास है, इसको लाइट इन्फेंट्री का दर्जा दिया गया था फर्स्ट अफगान वॉर 1841 में, और इसने बहुत सारी लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट करा है। लामित्तीय कौन से देश के बीच में एक्साइज होती है, भारत और कौन से देश के बीच में, तो ये देश है सेशल, सेशल और भारत के बीच में होती है ये। और सेशल में हम एक आइलैंड भी हमने लिया है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड, यहाँ पर हम एक मिलिट्री बेस बना रहे हैं। और ओमान से हमने लिया है ड्यूकम आइलैंड, श्रीलंका से लिया है हमने ट्रिनकोमाली, ईरान से लिया है छाबर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमने अपने पड़ोसियों से हमने लिए हुए हैं वहाँ पे मिलिट्री बेस या कुछ भी बनाने के लिए। तो सेशल्स में जो लिया है वो है अजम्पशन आइलैंड। ऑपरेशन पराक्रम ये किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने।
इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन पराक्रम। और आज का आखिरी सवाल, पहला मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक 2018 ये भारत और वियतनाम के बीच में हुआ था, ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो पश्चिम लहर एक्सरसाइज मैंने बताया था, वेस्टर्न नेवल कमांड की एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी की, और ये भी एक तरह की डिफेंस प्रिपेयरनेस, ये एक तरह की एक्सरसाइज है। साथ ही ये एक्सरसाइज जो है इसमें कई सारे वॉरशिप्स वगैरह ने पार्टिसिपेट करा है। ये एक ट्राई सर्विस मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका नाम है पश्चिम लहर। ट्राई सर्विस का मतलब ये है इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, कंडक्ट इसे करा वेस्टर्न नेवल कमांड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। भारत और ओमान के बीच में भी एक्सरसाइज हुई है 2017 में, जिसका नाम है अल नगाली, और ये भारत और ओमान के बीच में ये हुई बकलो हिमाचल प्रदेश में। ये दूसरी एक्सरसाइज है, पहली हुई थी 2015 में ओमान में, मस्कट जो राजधानी है वहां की। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, 11वीं बार हुई है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में मार्च 2017 में, और इसमें भारत की तरफ से कुमाऊं स्काउट और नारायण दत्त बटालियन ने पार्टिसिपेट करा, नेपाल आर्मी की तरफ से, भारत की तरफ से गए थे कुमाऊं स्काउट। नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज है भारत और मंगोलिया के बीच में, ये भी 2017 में हुई, 12वीं बार हुई, 12th एडिशन, 5 से 18 अप्रैल को कंडक्ट की गई थी ये। ये हुई अगेन मिजोरम के वेरांगटे में, जो काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल है वहां पे, पहली हुई थी 2004 में। इंद्र एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में हुई है, ये अगेन आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट करा, ये सी ऑफ जापान में हुई थी नियर व्लादिवोस्तोक, ये 10वीं बार इंद्र हुई थी भारत और रशिया के बीच में। तो ये था वीडियो चैप्टर 9 डिफेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।